बच्चे लोग आज की क्लास के पहले सेशन में लोग सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एक होता है थियोरिटिकल मोलमास, ठीक है, थियोरेटिकल मोलर मास, जिसका सिंबल हम यहाँ पे कैपिटल एम यूज करने वाले हैं, ठीक है। थियोरेटिकल मोलर मास एक है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, थियोरेटिकल मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास एंड अल्फा, एंड अल्फा, ठीक है। तो कैपिटल एम स्मॉल एम एंड अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, इसको बोला गया है अल्फा, ठीक है। तीन तीनों को कैसे लिंक करेंगे, इन तीनों को हम कैसे लिंक करेंगे, तो हमको हमको स्टडी करना है रिलेशन बिटवीन थियोरेटिकल मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास एंड एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, ठीक है। इन तीनों को कैसे हम लिंक करेंगे। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं थियोरिटिकल मोलर मास के बदले हम यूज कर सकते हैं थियोरिटिकल वेपर डेंसिटी, थियोरिटिकल वेपर डेंसिटी, और ऑब्जर्व मोलर मास के बदले हम यूज कर सकते हैं ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, ठीक है। अब वेपर, जो वेपर डेंसिटी होता है थियोरेटिकल, उसके लिए हम कैपिटल डी यूज करेंगे, इसलिए हम कैपिटल डी यूज करते हैं सिंबल, और जो ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी है उसके लिए हम स्मॉल डी यूज करेंगे, स्मॉल डी यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमको सीखना क्या है, तो रिलेशन बिटवीन थियोरेटिकल मोलर मास या फिर थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, थियोरिटिकल मोलर मास या फिर बोल सकते हैं थियोरिटिकल वेपर डेंसिटी एंड ऑब्जर्व मोलर मास या ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी एंड अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इनको कैसे लिंक करना आपस में, इनको कैसे आपस में लिंक करना है, ठीक है। तो आपके सामने या तो वेरिएबल ऐसा रहेगा कैपिटल एम स्मॉल एम एंड अल्फा, इनको लिंक करना है, ठीक है, या फिर आपको कैपिटल डी स्मॉल डी एंड अल्फा को लिंक करना है, ठीक है। तो आपको इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है, इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि थियोडिकल मोलर मास होता क्या है, ये थियोडिकल मोलर मास का हम बात कर रहे हैं कि होता क्या है, ठीक है, या फिर हम बात कर रहे हैं जो ऑब्जर्व मोलर मास है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं पहले मोल कॉन्सेप्ट पे, ठीक। तो यार मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखे होंगे, एक कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग क्या, एवरेज मास का। तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मास, एवरेज मोलर मास, ठीक है। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखे हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मोलर मास या फिर बोलते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो याद है ना इसका मतलब क्या होता है, याद है ना, अगर मान लेते हैं कि आपके पास सैंपल है, सैंपल में मान लेते हैं कि आपके पास ए बी और सी तीन कंपोनेंट्स है, अगर सैंपल में तीन कंपोनेंट्स है और ए का मोलर मास एम ए है, बी का मोलर मास एम बी है और सी का मोलर मास
हम एम कैपिटल सी स्मॉल सी बोल रहे हैं, सफिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनका इंडिविजुअल मोलर मास है, और बोला गया कि ए का मोल, ए का जो मोल है वो एन ए है, बी का मोल एन बी है सिस्टम में, और सी का मोल एन सी है। तो इस अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजर करते हो ना, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से इस सिस्टम का मोलर मास मेजर करोगे तो आपको निकल के आता है एवरेज मास, आपको निकल के आएगा एवरेज मास, ठीक है। तो इस सिस्टम का एक एवरेज मास होगा, इसको आप इसको एवरेज लिख सकते हो, या कुछ लोग इसको बोलते हैं मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकल के आता है, इसका वैल्यू क्या निकल के आता है, तो मोल ऑफ ए इंटू एम ए प्लस मोल ऑफ बी इंटू एम बी प्लस मोल ऑफ सी इंटू एम सी डिवाइडेड बाई टोटल मोल, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो ये होता है इसका मोलर मास ऑफ मिक्सचर का। ये हम लोग फॉर्मूला सीखे थे मोल कॉन्सेप्ट में। इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू मोलर मास ऑफ सी, यानी ये भी करने से आपको मिल जाएगा क्या मोलर मास ऑफ मिक्सचर, या एवरेज मोलर मास मिल जाएगा। अब ध्यान देना, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे ना, यानी हम प्रैक्टिकली अगर मेजर करते हैं, ध्यान देना यहाँ सिस्टम में तीन कंपोनेंट है, ए बी और सी है, ठीक है। सिस्टम में तीन कंपोनेंट है आपका, ए है बी है सी है। जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे और सिस्टम का मोलर मास पता कर रहे हैं, सिस्टम का मोलर मास पता कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अगर हम मोलर मास पता करेंगे तो हमको हमेशा मिलेगा एवरेज मोलर मास, हमको हमेशा मिलेगा, हमको मिलेगा एवरेज मोलर मास। यानी किसी इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे तो कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अगर हम यहाँ पे मास निकालते हैं, मारते हैं, तो अगर मास निकालेंगे तो उस मास, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट जो मास मेजर करेगा तो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अगर हम मोलर मास मेजर करेंगे तो हमको मिलेगा हमेशा कौन सा मोलर मास मिलेगा, हमको हमेशा मिलने वाला है एवरेज मोलर मास। कौन सा मोलर मास, चलो, तो हमको मिलने वाला है एवरेज मोलर मास। यानी हम ए बी सी तीन का मॉडल ले लेंगे और किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सोचेंगे कि सिस्टम का मोलर मास पता कर लें, तो हमको ए और बी और सी का नहीं दिखेगा, हमको दिखेगा एक कंबाइंड मोलर मास दिखेगा। हमको इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर हम चेक करेंगे तो हमको ए बी सी तीनों का कंबाइंड मोलर मास दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल देख, अगर आप टायर का हवा मेजर करते हो तो आपको टोटल प्रेशर दिखाता है, आपको कभी भी एन टू ओ टू हीलियम इन सब का प्रेशर नहीं दिखाता, आपको ओवरऑल प्रेशर दिखाता है, एक ओवरऑल कंबाइंड प्रेशर दिखाता है। वही यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर सिस्टम में मोर देन वन कंपोनेंट होगा और आप मोलर मास मेजर करते हो तो आपको कंपोनेंट्स का मोलर मास नहीं पता चलता है, आपको पता चलता है एक एवरेज मास, आपको पता चलता है एक एवरेज मास। और जो एवरेज मास आप पता कर रहे हो, इसी को बोला गया है, इसी को बोला गया है ऑब्जर्व मोलर मास, इसी को बोला गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास, क्या बोलते हैं, चलो, इसी को बोला गया है ऑब्जर्व मोलर मास। यानी सिस्टम में अगर मोर देन वन कंपोनेंट प्रेजेंट होगा तो हम सिस्टम को जो मोलर मास निकालते हैं उसको हमको मिलता है एवरेज मास, उसको बोला गया है ऑब्जर्व मोलर मास, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। अब ध्यान देना होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, ध्यान देना। जैसे मान ले कि आपके सिस्टम में एक PCl5 गैस लिया हुआ है, ठीक है, तो हमको बोला गया कि टाइम जीरो पे, टाइम जब जीरो था उस टाइम पे सिस्टम में आपका PCl5 गैस लिया है, तो हमसे यही बोला गया कि इसका मोलर मास क्या होगा। और हम थोड़ा टाइम टी के बाद, यानी आफ्टर टाइम टी के बाद हमसे पूछा गया कि इस सिस्टम का मोलर मास क्या होगा, इस सिस्टम का मोलर मास क्या होगा, सब कमेंट करो, ठीक है, यानी मेरे को ये बताना है, ठीक। तो जिसको केमिस्ट्री नहीं पता, जिसको केमिस्ट्री ज्यादा अच्छे से नहीं पता, वो क्या बोलेगा कि अरे यहाँ पे PCl5 था, तो वही चीज यहाँ पे हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे हो जाएगा, तो वही चीज अगर वहां पे हो जाएगा तो इसका मोलर मास निकालना बहुत आसान है। इसका मोलर मास क्या होगा, तो PCl5 का मोलर मास क्या होगा जी,
एक फास्फोरस है, तो 1 × मोलामास ऑफ फास्फोरस प्लस 5 क्लोरीन है, तो 5 × मोलामास ऑफ सीएल। इसको जोड़ देंगे तो मेरे को मिल जाएगा पी सी एल फाइव का मोलामास। यानी हम थ्योरी का यूज किया, हमको पता है कि सिस्टम में तुम पी सी फाइव ये हो, तो पी सी फाइव का मोलामास कैसे निकालेंगे, तो पी का मास प्लस 5 सीएल का मास मिलकर मिल जाएगा मोलामास ऑफ पी सी एल फाइव। तो ये मास हम निकाल रहे हैं थ्योरी का यूज करके। तो इसको बोला गया कैपिटल एम। यानी अब जो थ्योरी का यूज किया हो इसको बोलते हैं हम लोग थियोरिटिकल मोलामास, थियोरिटिकल मोलामास। ठीक है, यानी इसको बोल रहे हैं कैपिटल एम, इसको बोल रहे हैं कैपिटल एम। ठीक, सिमिलरली अब ध्यान देना, अगर लेकिन होता क्या है कि आपको पता है कि पीसीएल फाइव एक रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है और इसमें कुछ टूटता है तो कुछ पीसीएल थ्री बनता है, कुछ सीएल टू बनता है। यानी हम पीसीएल फाइव जो लिए हैं वो सिस्टम में पूरा इंटैक्ट नहीं रहेगा, उसमें ब्रेकेज ऑकर करता है, उसमें कुछ ब्रेकेज ऑकर करता है। तो एक्चुअली सिस्टम में से पीसीएल फाइव नहीं है, इसमें कुछ पीसीएल थ्री बन चुका है और कुछ सीएल टू भी बन चुका है, कुछ सीएल टू भी बन चुका है, कुछ सीएल टू भी बन चुका है। यानी सिस्टम में तीनों कंपोनेंट होगा, यानी सिस्टम ब्रेक हो रहा है। सिस्टम अगर ब्रेक होता है तो देखो आपका वेट तो इस पूरे प्रोसेस में आपका क्या है, वेट तो कांस्टेंट है ना, यानी मास वेट जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि सिस्टम क्लोज है, तो वेट तो बाहर जा नहीं रहा है, बट नंबर इंक्रीज कर रहा है। पहले सिर्फ पीसल फाइव था, उससे कुछ पीसल फाइव सम पीसल फाइव टूट रहा है, तो कुछ अमाउंट टूटेगा। ठीक है, तो कुछ जो टूटेगा उससे पीसल थ्री बनेगा, कुछ सील टू बनेगा। तो अल्टीमेटली आपका नंबर इंक्रीज कर रहा है, आपका नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब हम ब्रेकिंग करते हैं पार्टिकल्स का तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आपका नंबर वेट कांस्टेंट है, नंबर इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, जो एवरेज वैल्यू है, जो मोलर मास एवरेज होता है वो डिक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि मोलर मास एवरेज का मतलब क्या होता है, वेट बाय नंबर, वेट बाय नंबर। तो वेट तो कांस्टेंट है क्योंकि सिस्टम क्लोज है, बट नंबर इंक्रीज करना मतलब क्या हो रहा है कि का मास, जो मोलर मास होगा यानी एवरेज मास होगा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे जो अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करेंगे, तो अगर यहाँ पे सिस्टम में कुछ इंस्ट्रूमेंट ला के अगर मेजर करते हैं, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर मेजर करेंगे हम, तो हमको हम जो मोलर मास ऑब्जर्व करेंगे, तो हम जो मोलर मास ऑब्जर्व करेंगे उसको बोलते हैं ऑब्जर्व मोलर मास, उसको बोला गया स्मॉल एम। क्या बोला गया है, स्मॉल एम। और ये होता है ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक है, ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक, अब ध्यान ना, इसी ध्यान दोगे, अगर मान लो कि अगर पार्टिकल्स या सिस्टम, ये जो तुम पार्टिकल लिए हो, ठीक है, अगर तुम्हारा जो पार्टिकल है डिसोसिएट कर रहा है, तो डिसोसिएट का मतलब क्या होता है, मान लो पहले एक पार्टिकल टूट के दो पार्टिकल बन रहा है, यानी पार्टिकल का डिसोसिएशन में क्या होता है, सिंगल पार्टिकल से दो तीन पार्टिकल बन सकता है मे बी। ठीक है, यानी अल्टीमेटली क्या होता है, डिसोसिएट में क्या होता है, पार्टिकल पार्टिकल्स खुद को ब्रेक करता है, तो अल्टीमेटली सिस्टम का नंबर क्या होगा, बढ़ाएगा। तो डिसोसिएट, अगर डिसोसिएशन प्रोसेस अगर बात कर रहे हैं, तो डिसोसिएट में क्या होता है, नंबर इंक्रीज करता है, नंबर इंक्रीज करता है, तो आपका जो एवरेज मास है, यानी आपका एवरेज मोलर मास होगा, तो आपका मोलर मास एवरेज, एवरेज मोलर मास डिक्रीज करता है। यानी अगर आपके पास थियोरिटिकल मोलर मास हो और ऑब्जर्व मोलर मास हो, तो ऑब्जर्व मोलर मास का वैल्यू थियोरिटिकल से छोटा हो जाएगा। कैपिटल मतलब थियोरिटिकल मोलर मास, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं थियोरिकल मोलर मास के लिए, और ये था ऑब्जर्व के लिए। तो ये चीज ध्यान देना, जब भी डिसोसिएशन होगा तो आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू होगा थियोरिकल से कम होगा। ठीक है, और जब भी कहीं पार्टिकल एसोसिएट करेगा, पार्टिकल कभी भी जुड़ता है, एसोसिएट करता है, तो इन केस ऑफ एसोसिएशन आपका वेट कांस्टेंट है। देखो चाहे पार्टिकल एसोसिएट करे डिसोसिएट करे, आपका वेट क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है।
अब गिव इट यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एसोसिएशन करेगा तो क्या हो, पार्टिकल जुड़ रहा है, पार्टिकल जुड़ेगा तो क्या हो, पार्टिकल का नंबर क्या हो, डिक्रीज करेगा। मतलब दो पार्टिकल जुड़ के एक पार्टिकल बन रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पार्टिकल का एसोसिएट करने से क्या हो रहा है, पार्टिकल का नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वेट कॉन्स्टेंट है, पार्टिकल घट रहा है, तो वेट बाई नंबर क्या होगा, चूंकि नंबर घट रहा है तो क्या होगा, आपका जो एवरेज मोलर मास है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी हम एसोसिएशन में बात करते हैं तो उसके इसमें जो ऑब्जर्व वैल्यू है और जो थियोरिटिकल वैल्यू है उसमें से बड़ा कौन होगा, तो बड़ा होगा ऑब्जर्व वैल्यू। जो आपका ऑब्जर्व मोलर मास है उसका वैल्यू थियोरिटिकल वैल्यू से क्या होगा, से ज्यादा होगा, ठीक। ये चीज ध्यान देना, अब ध्यान देना, बात करते हैं वेपर डेंसिटी का। तो वेपर डेंसिटी आप लोग पढ़ चुके होंगे, वेपर डेंसिटी होता क्या है। तो वेपर डेंसिटी का हम बात करेंगे तो किसी भी गैस के लिए डिफाइन किया जाता है, तो क्या होता है उसका मोलर मास, मास बाई टू होता है, बाई टू होता है, ठीक है। जो वेपर डेंसिटी होता है तो यहाँ पर ध्यान देना, चूंकि आपका दो टाइप का सिचुएशन है तो यहाँ पे हम दो टाइप का वेपर डेंसिटी हम डिफाइन कर रहे हैं। ये डिफाइन कर रहे हैं थियोरिटिकल वेपर डेंसिटी, तो थियोरिटिकल वेपर डेंसिटी क्या होगा जी, इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल डी। तो कैपिटल डी क्या होगा, तो कैप मोलर थियोरिटिकल मोलर मास बाई टू हो जाएगा, कैपिटल एम बाई टू हो जाएगा। ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि टू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। सिमिलरली एक हम डिफाइन कर रहे हैं ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी स्मॉल डी, तो स्मॉल डी इक्वल क्या होगा, ऑब्जर्व मोलर मास बाई टू होगा, ठीक। इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि टू डी इक्वल टू क्या होगा, यानी स्मॉल एम होगा, ठीक है। इसको आप ऐसा सोच सकते हो, अब ध्यान ना। तो अपना चैलेंज क्या था, अपना चैलेंज क्या था, टॉपिक हमने किया थे हमको रिलेशन फाइंड करना है, तो हमने टॉपिक अभी नहीं किए थे, हमको रिलेशन फाइंड करना है किसके बीच में, ठीक है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन क्या था, अल्फा एम एन स्मॉल एम और अल्फा कैपिटल डी स्मॉल डी, इसमें को रिलेशन फाइंड करना है, ठीक। अब ध्यान देना रिलेशन फाइंड करने का तरीका आपको समझा रहा हूँ, इसको हम रेट करना ध्यान देना तरीका समझा रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपके सिस्टम, आपके पास PCl5 है सिस्टम में, ठीक है। आपको पता है कि PCl5 ब्रेक करेगा, आपको पता है PCl टूटेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि सिस्टम PCl5 जो है वो टूट के क्या बनता है, PCl3 बनता है, NCl2 बनता है, इस तरह से ब्रेक करता है सिस्टम में, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिस्टम इस तरह से ब्रेक करेगा, आपको ये बात पता है आपको है। अब ध्यान देना अगर बात करें टाइम, टाइम माना जाए टाइम जीरो पे इसका मोल ए ले लिया गया, ठीक है। उस टाइम इन दोनों का मोल क्या होगा, जीरो जीरो होगा, ठीक। यहाँ पर करें सिस्टम का वेट, तो सिस्टम का वेट क्या, तो कांस्टेंट होता है, वेट तो आप चेंज कर नहीं सकते हो सिस्टम का, ठीक। तो अभी वेट क्या होगा, तो अभी टाइम जीरो पे जो मोलर मास होता है उसमें सिर्फ मोलर मास किसका होगा, ओनली मोलर मास ऑफ PCl5 का। तो टाइम जीरो का जो मोलर मास होता है उस मोलर मास के लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहे हैं, तो टाइम जीरो का मोलर मास में सिर्फ PCl5 होगा, उसको हम कैपिटल एम बोल सकते हैं क्या, तो इक्वल टू होगा कैपिटल एम, यानी बिगनिंग में सिर्फ PCl5 है। तो जो थ्योरी में सीखेंगे PCl5 का निकालना
ये जो थ्योरेटिकल मोलर मास होगा वो उसके साथ क्या होगा, मैच कर जाएगा, ठीक है। तो टाइम जीरो पे से पी से फाइव ही है, ठीक। टाइम टी पे होता क्या है, टाइम टी पे इसका कुछ पार्ट टूटेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से ए अल्फा टूटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए अल्फा, ए अल्फा बनेगा, ठीक है। तो टाइम टी पे जब ब्रेकेज हो जाएगा तो उस टाइम मोलर मास क्या होगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। आपका जो ऑब्जर्व मोलर मास है वो कुछ ना कुछ क्या होगा, थ्योरेटिकल मोलर मास से कुछ चेंज हो जाएगा। तो उस टाइम मोलर मास को स्मॉल एम बोल दे रहे हैं, स्मॉल एम बोल दे रहे हैं, ठीक है। एक और हम कॉलम बना दे रहे हैं आपके पास टोटल मोल का, टोटल मोल का। तो टाइम जीरो पे टोटल मोल कितना दिया, ए दिया हुआ है। और टाइम टी पे टोटल मोल क्या होता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल मोल क्या होगा, ए प्लस ए अल्फा हो जाएगा। अब ध्यान देना वेट क्या होता है, तो वेट होता है मोल इंटू मोलर मास। तो मोल इंटू मोलर मास टाइम जीरो पे कितना दिख रहा है आपको, एम इंटू दिख रहा है। और टाइम टी पे कितना दिख रहा है, तो स्मॉल एम इंटू ए प्लस एल्फा दिख रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो। तो जोड़ने का नहीं है मतलब, ध्यान देना चूंकि आपका वेट कांस्टेंट है, तो वेट कांस्टेंट पे क्या हम बोल सकते हैं कि वेट वेट इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, वेट फाइनल होगा। दोनों वेट बराबर कर सकते हैं ना, वेट इनिशियल इक्वल टू वेट फाइनल कर देंगे हम लोग। हम ऐसा ले सकते हैं क्या, एम इंटू ए मास इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए प्लस ए अल्फा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एम इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एम वन प्लस अल्फा। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एम बाई एम इक्वल टू क्या होगा, वन प्लस अल्फा हो गया। तो यहाँ पर रिलेशन हो गया। अब ध्यान देना आप जो कैपिटल एम है उसको भी ले सकते हो, उसको ले सकते हो टू इंटू डी, स्मॉल एम को ले सकते हो टू डी, ठीक है। और इक्वल टू क्या था, वन प्लस अल्फा। तुम कैपिटल एम के लिए टू डी यूज किया, स्मॉल एम के लिए स्मॉल टू डी यूज किया, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि आपका कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का रेशियो भी सेम हो जाएगा, वन प्लस अल्फा, ठीक है। तो जो जो रिलेशन कैपिटल एम स्मॉल एम के बीच में होगा वही रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन आपको हो जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी के बीच में, ठीक है। तो इससे हमको रिलेशन निकालना है, इससे हमको रिलेशन फाइंड करना है। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछेंगे मेरे से, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों का, चलो ठीक नो सर, है। तरीका समझ में आया आपको कैसे फाइंड करना है आप लोगों को, ठीक है, प्रोसेस क्लियर है। तो चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिस पर क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोगों को, हर हर के लिए आपको कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है, इसमें आपको रिलेशन निकालना है, ठीक। फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एम एंड स्मॉल एम और अल्फा कैपिटल डी एंड स्मॉल डी फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहला रेशियो का लिख रहे हैं हम, एन टू ओ फाइव गिव्स टू वन ओ टू प्लस हाफ ओ टू, ठीक है। तो इस पहले रेशियो के लिए आपको एम बाई एम का रेशियो बताना है, यानी आपको एम एम बाई एम का रेशियो क्या होगा, एम बाई एम और डी बाई डी का रेशियो नीचे लिखना बस आपको हर केस के लिए, ठीक है। ये कॉलम बना दिया आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, एस टू प्लस, एक सेकेंड,
टू एच आई गिव्स एच टू प्लस आई टू, ठीक है। थर्ड रिएक्शन क्या आपके पास सामने है, तो अमोनिया है ठीक है। ये तीन क्वेश्चन और ट्राई करो फटाफट। चौथा रेशम ऐड कर रहे हैं एन टू फोर टू वन टू, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि एस एट गैस है गिव्स फोर एस टू गैस होगा, ठीक है। यहाँ पे पांच रिएक्शन है, पांचों के लिए आप एम बाई एम या स्मॉल डी बाई डी का रिएक्शन बताओगे विद अल्फा, रिएक्शन बताओ विद अल्फा फास्ट। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कैसे करेंगे, तो ध्यान देना आपके साथ मैं सॉल्यूशन शेयर कर दे रहा हूँ। तो ध्यान देना, जैसे मान ले पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि शुरू में अगर इसको m इंटू ए करेंगे हम लोग यानी मोलोमास, तो बाद का क्या होगा स्मॉल m इंटू होगा वन प्लस यानी a प्लस थ्री a अल्फा बाई टू होगा। तो यहाँ से आप रिलेशन निकाल तो क्या होगा कैपिटल m बाई स्मॉल m का जो रेशियो होगा इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस थ्री अल्फा बाई टू हो जाएगा, ठीक। सेकेंड के लिए क्या होगा, तो सेकेंड के लिए स्मॉल m इंटू a इक्वल टू क्या होगा स्मॉल m इंटू a हो जाएगा, तो यहाँ पे m बाई m का रेशियो हो जाएगा वन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखोगे, ठीक है, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे m इंटू ए शुरू का इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से a अल्फा ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे a अल्फा बाई टू एंड थ्री अल्फा बाई टू बनेगा, यानी स्मॉल m इंटू ए प्लस a अल्फा हमको दिखेगा। यहाँ पे क्या होगा स्मॉल m बाई कैपिटल कैपिटल m बाई स्मॉल m का रेशो हो जाएगा वन प्लस अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड के लिए। फोर्थ का देखेंगे, तो फोर्थ का भी सेम ही आएगा जी, फोर्थ में अगर एम फोर्थ में देखें हम लोग तो क्या होगा एम इंटू ए ये होगा इनिशियल वेट। हम लोग हम सारे में क्या कर रहे हैं इनिशियल वेट को फाइनल वेट से को इक्वेट कर देना, बस इतना ही काम कर रहे हैं हर केस में। तो स्मॉल एम इंटू ए प्लस ए अल्फा, अल्टीमेटली क्या होगा m बाई स्मॉल m का रेशियो हो जाएगा वन प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा कैपिटल m इंटू ए इक्वल टू क्या होगा स्मॉल m इंटू ए प्लस थ्री अल्फा होगा, यानी m बाई m का जो रेशियो होगा हो जाएगा वन प्लस थ्री अल्फा होगा, वन प्लस थ्री अल्फा होगा, ठीक है। कैसे हुआ तो कैसे होगा इस फाइव क्वेश्चन क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है क्या फिफ्थ में बच्चा, चलो ध्यान देना। तो फिफ्थ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है ध्यान देना, जैसे एसिड मॉलिक्यूल है, एसिड मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है यहाँ पे गैस है, यहाँ फोर एस टू गैस में ब्रेक हो रहा है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर ए लेंगे बिगिनिंग में तो ये जीरो होगा, तो यहाँ से अगर ए अल्फा टूटेगा तब यहाँ पे फोर ए अल्फा बनेगा, ठीक है। मोलोमास अगर बात करते हैं तो मोलोमास जो है टाइम जीरो का को बोल रहे हैं कैपिटल एम है, और टाइम टी के लिए बोल रहे हैं टाइम जब टी होगा तो उसके लिए मोलोमास को बोल स्मॉल एम बोला गया, ठीक है। जो वेट है तो वेट इनिशियल क्या होगा एम इंटू ए होगा,
और वेट फाइनल क्या होगा, स्मॉल एम इंटू टोटल मोल, टोटल मोल इनको जोड़ के निकलेगा ना, तो क्या होगा, ये होगा एम इंटू ए प्लस थ्री ए अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो कैपिटल एम इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एम ए प्लस थ्री ए अल्फा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे m बाई एम का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा आपको, वन प्लस थ्री अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा? नो सर। समय अब ध्यान देना, ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो था, इसके लिए हम एक शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं। शॉर्टकट क्या होगा आपके पास, ध्यान देना। तो शॉर्टकट अगर हम पूछा जाए तो शॉर्टकट के लिए क्या कर, ध्यान देना, तो इसके लिए शॉर्टकट हो सकता है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, तो शॉर्टकट ट्रिक है, ध्यान देना, तो कैपिटल एम बाई स्मॉल एम या फिर कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इक्वल टू होता है वन प्लस डेल्टा एन जी अल्फा। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप, ठीक है। डेल्टा एन जी क्या होगा, तो गैस जो प्रोडक्ट में है माइनस गैस जो रिएक्टेंट में होगा, इसको बोला गया है डेल्टा एन जी, इसको बोला गया है डेल्टा एन जी। ठीक है, गैस जो प्रोडक्ट में होगा माइनस गैस जो रिएक्टेंट में होगा, इसको बोला गया है डेल्टा एन जी। ठीक, अब ध्यान देंगे इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान देना। लेकिन ध्यान देना, बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला मेक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वन। तो इसको अप्लाई करने से पहले आपको रिएक्टेंट का कोफिशिएंट को वन करना पड़ेगा, तो मेक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वन, मेक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वन। ठीक है, इसको अप्लाई कर दिखाते हैं आपको। तो ध्यान देना, जब बस जो भी आपके पास रिएक्शन था, तो पी सी एल फाइव मान लेते हैं, पहला रिएक्शन पी सी एल फाइव है, गैस था आपके पास गिब्स पी सी एल थ्री प्लस सी एल टू, यहाँ भी दोनों क्या है, गैस गैस था। ठीक, तो यहाँ बोलेंगे तो आप यहाँ पे डेल्टा एन जी पहले पता कर लेते हैं, तो डेल्टा एन जी कितना होगा जी, तो राइट में दो गैस है और लेफ्ट में एक गैस है, तो इसका डेल्टा एन जी क्या हो, वन होगा। तो डेल्टा एन जी वन होगा, तो आपके पास ध्यान देना आपके पास फॉर्मूला क्या है, तो कैपिटल एम, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम या फिर कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या बोला गया है, वन प्लस डेल्टा एन जी अल्फा बोला गया है, उसको यूज करेंगे। तो इसके लिए ध्यान देना, क्योंकि डेल्टा एन जी वन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए वो ये वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू वन प्लस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन जी का वैल्यू वन है। ये क्वेश्चन नंबर वन। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, तो सेकेंड क्वेश्चन मान लेते हैं कि ऐसे एक क्वेश्चन था कि एन टू ओ फाइव ब्रेक करता है तो बनेगा टू ओ टू, तो यहाँ भी गैस, यहाँ भी गैस और यहाँ पे हाफ ओ टू भी क्या है, गैस। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना होगा जी, तो बर्ड में गैस कितना, फाइव बाई टू है माइनस वन, यानी क्या होगा यहाँ पे थ्री बाई टू होगा, यानी यहाँ पे जो होगा तो हो जाएगा, तो इसके से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एम बाई एम का जो रेशियो होगा फॉर्मूला के थ्रू क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री बाई टू अल्फा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देते हैं ध्यान से, तो थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो ध्यान देना, इसमें बोल रहे हैं कि एन एन टू ओ फोर है,
इंटू फोर ब्रेक करके क्या बनेगा, टू इंटू बनेगा, तो इसमें डेल्टा जी कितना है, वन है, तो इसमें एम बाई एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जगह वन प्लस अल्फा हो जाएगा। इसे तो क्वेश्चन मान लेते हैं कि एच टू एच आई गिव्स एच टू प्लस आई टू, ठीक है, तो इसमें डेल्टा जी क्या जीरो है। अब ध्यान देना, डेल्टा एन जी जीरो रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हो गया तो इसका मतलब एम बाई एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक। लेकिन ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट को आपको वन करना पड़ेगा, यानी कोफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट को वन करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं कोफिशियंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वन, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था एच आई वाला, इस एच आई वाला में इसको वन करना पड़ेगा, यहाँ दो नहीं होगा, तो वन करोगे तो इसको मॉडिफाई कैसे करना पड़ेगा, तो मॉडिफाई ऐसे करना पड़ेगा एच आई इक्वल टू एच टू बाई टू, यानी हाफ एच टू प्लस हाफ आई टू। इसका मतलब डिफरेंस डेल्टा जी क्या हो, जीरो का होगा, अभी भी जीरो होगा, यानी आपका रिलेशन सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखे, ध्यान देना, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं कि टू अमोनिया है, गिब्स एन टू प्लस थ्री एच टू। अगर इसको देखोगे इस केस में आपका डेल्टा एन जी आ जाएगा कितना, चार, यहाँ पर दो आ जाएगा, इसका मतलब एम बाई एम का जो वैल्यू है वो जाएगा वन प्लस टू अल्फा, जो कि रॉन्ग है, जो कि रॉन्ग होगा, जो कि गलत है, गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है। सही क्या होगा, तो आपको बोला क्या गया है, इस प्रोसेस को फॉलो करने से पहले आपका जो रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट उसको वन बना ले, तो वन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हम यहाँ पे अमोनिया में दो से डिवाइड कर, इसका मतलब क्या होगा, हाफ एन टू प्लस थ्री बाई टू एस टू, डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ दो यहाँ एक है तो क्या होगा, वन होगा, ठीक है, क्या होगा, वन होगा, यानी क्या होगा, इसमें स्मॉल एम बाई कैपिटल, इसका रेशियो हो जाएगा, यानी कैपिटल एम बाई स्मॉल का रेशियो क्या हो जाएगा, तो वन प्लस अल्फा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब को फॉलो करना है, इस हिसाब को क्वेश्चन को बनाना है यूजिंग शॉर्टकट्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं हम लोग, तो लास्ट क्वेश्चन क्या था अपने पास, एसिड गैस ब्रेक करता है किसमें, तो फोर एस टू गैस में, इसमें डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या था जी, तो थ्री था, तो एम बाई स्मॉल एम इक्वल टू वन प्लस डेल्टा एन जी अल्फा अप्लाई कर ले, तो यहाँ पे एम बाई एम का जो वैल्यू होगा ये होगा वन प्लस थ्री अल्फा, वन प्लस थ्री अल्फा, ठीक है, वन प्लस थ्री अल्फा, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो, चलो आप लोग को no, तो फॉर्मूला अप्लाई करना सीखिए आप लोग, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना आप लोग को, ठीक ठीक है। अब ध्यान दोगे इसे बेस्ट कुछ एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका सिस्टम दिया हुआ है, आपका सिस्टम दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है कि आपका सिस्टम है जिसमें पीसेल फाइव लिया हुआ है, इस सिस्टम का अल्फा है 0.4, क्या है 0.4, आपको फाइंड करना है स्मॉल एम, यानी आपको थियोटिकल मोनोमर्स फाइंड करना है, थियोटिकल नहीं ऑब्जर्व, स्मॉल एम किसे बोलते हैं, ऑब्जर्व, फाइंड ऑब्जर्व मोलर मास, ध्यान बच्चे लोग, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्मॉल एम पता करना है, यानी आपको थियोटिकल मोलर मास पता करना है, ठीक। तो ध्यान इसको पता कैसे करें हम लोग, तो आपको पता है कि पीसेल फाइव ब्रेक करता है, किसमें ब्रेक करता है जी, पीसीएल थ्री एंड सीएल टू में ब्रेक करता है, आपको ये बात पता है, तो इसका डेल्टा एन जी क्या होगा जी,
रिडंडेंसी होगा वन होगा, तो करिलेशन क्या होगा, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम का रिलेशन क्या होगा, इक्वल टू वन प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक, आपको कैपिटल एम पता कर लो पलो, तो कैपिटल एम बहुत सिंपल है, फॉस्फोरस का मास प्लस 5 इंटू मास ऑफ सी एल, तो पी का मास कितना होता है 31 और सील का मास कितना होता है 35.5 होता है, इसको जोड़ के कितना आ रहा है जी टोटल, कितना था टोटल बच्चे लोग, 208.5 आ रहा था ना। ठीक है, इतना आ रहा है, तो वो कैपिटल एम पता है आपको, अल्फा पता है, अल्फा 0.4 दिया हो क्वेश्चन में, तो कैपिटल एम पता है, तो आपको अल्फा पता है, तो एम बाय एम का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस 0.4, यानी क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। आपको निकालना स्मॉल एम, तो स्मॉल एम का वैल्यू क्या होगा, तो कैपिटल एम का वैल्यू में 1.4 डिवाइड कर देंगे, यानी 208.5 को डिवाइड कर देंगे 1.4 से, तो आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा 148.9 के आसपास आंसर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 148.9 के राउंड होगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्वेश्चन सॉल्व करना था, वही सब प्रोसेस क्वेश्चन सॉल्व करना था ये ना, इसी में एक और क्वेश्चन आया था ना, आपका सिस्टम दिया हुआ है, आपका सिस्टम दिया हुआ है N2O4 है, ये ब्रेक करता है किसमें 2 N2 में। ठीक है, आपको स्मॉल एम पता है, स्मॉल एम दिया हुआ 69, सिस्टम का स्मॉल एम दिया हुआ 69, आपको फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा। ठीक है, जल्दी से फास्ट सॉल्व करेंगे, सर 69 है ना, 69 है। ठीक है, तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले कैपिटल एम निकालो, तो कैपिटल एम मतलब इसका मोलर मास, तो कैपिटल एम का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का मास 14 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, तो अल्टीमेटली 64 प्लस 28 कितना होगा, ये तो हो जाएगा 92। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू इसके लिए क्या होगा, तो होगा 1, तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इक्वल हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, तो कैपिटल एम का वैल्यू कितना है 92, और नीचे क्या 69 है, तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। इसको आप किससे काट कर सकते हो, तो 23 से कटेगा, तो ऊपर कटेगा कितने बार में, 4 बार में, तो नीचे ऊपर 4 होगा, नीचे क्या हो 3 होगा, ये होगा 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा 1/3, यानी 0.33। ठीक है, परसेंट वाइज देखेंगे तो 33.33%, तो 33.33% आप सोच सकते हो। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों, चलो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, नो सर। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना इसमें खत्म करते हैं। ठीक।